आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ गौरी मैया आई देखो गोरी गोरी, गौरी मैया आई देखो गोरी गोरी, मैया से बांध लो प्रीत की डोरी, ओ मैया गोरी गोरी, ओ मैया गोरी गोरी मैया। शुक्रवार के दिन माँ भगवती परम्बा दुर्गा शक्ति की आराधना करने से आपके जीवन में शक्ति का संचार होता है। कहते हैं जो वीक हो जाता है, जो बीमारी से ग्रस्त है, उसे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करने चाहिए, तो आपकी शक्तियाँ जो हैं वो जागृत हो जाएंगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 27 अक्टूबर 2023 चंद्रमा मीन राशि में, अहोरात्र नक्षत्र शनि का सुबह उत्तरा भाद्रपदा 9:24 तक, उसके बाद बुध का नक्षत्र रेवती, आज चतुर्दशी तिथि का अक्षय हो गया है और पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 4:17 तक। थोड़ी ही देर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या असर होगा चंद्रमा के मीन राशि में रहते हुए अहोरात्र बुध के नक्षत्र के साथ मेष से लेके मीन राशि। मेष राशि, बुध का नक्षत्र आपको व्यवसाय करवाएगा विदेश रिलेटेड, लेकिन उसमें अड़चने भी डाल सकता है। आपको किसी से उलझना नहीं है, खासकर प्रेम संबंधों से, और बिजनेस पर अनाप शनाप खर्च नहीं करने हैं। वृषभ राशि, आज के दिन बड़ी बुद्धिमानी से केसेस विवाद से निकलने की कोशिश करेंगे आप, और धन लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप यशस्वी भी हो जाएंगे धन लाने में, और बड़े भाई बहन और ताया चाचा के साथ आज उलझेना। मिथुन राशि, आज का नक्षत्र नहीं सुहाता आपको। आप पिछले दिनों देख लो रेवती नक्षत्र कब सुहाया था। आपको काम के कारण बेचैनी हो सकती है, आपको पिता के साथ उलझना नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी बातें होती हैं कार्यों में उसको सिर पर नहीं लेना है, दूसरा काम कीजिए। कर्क राशि, आज के दिन नक्षत्र आपको बेचैन करता है, आपको चिंताएं देता है। काम से रिलेटेड यात्रा पर जाते हैं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चले, बड़े भाई बहनों के साथ उलझे ना, लेकिन काम काज जरूर बुद्धिमत्ता से बनेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। सिंह राशि, आपकी तबीयत थोड़ा संभालिए, आप आज के दिन त्वचा से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड या कुछ ऐसा रीनल सिस्टम या आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होना, इससे आपको बचाव करना है। आपके धन आने के लिए आपको सारे प्रयत्न तो करने हैं, लेकिन आराम से ससुराल पक्ष से उलझना नहीं है। कन्या राशि, आज का दिन आपको सुहाएगा व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर, आपकी मदद कर देंगे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, लेकिन उनके साथ अनबन करके उनके साथ मतभेद नहीं करना है, चतुराई नहीं दिखानी है, और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ भी प्यार से रहना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब रेवती नक्षत्र आपको दे सकता है कुछ ऐसे काम जो आपको नई शुरुआत करने थे, नौकरी करने थे, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं है। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में आपको मन मुताबिक लाभ नहीं है, आपको लोन्स जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। वृश्चिक राशि, बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है, बच्चों के विचार सुनने हैं, वो धन लाने का प्रयत्न करेंगे, आप भी करेंगे, और दोनों मिलके प्रचुर मात्रा में धन कमा सकते हैं, इसलिए काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मित्रों के साथ भी इसी तरह रहिए। धनु राशि, माता पक्ष से हर बार उलझन करना और बेचैनी करना, अपना विचार प्रकट कीजिए, अपने ख्यालात बताइए उनको, और मिल के काम कीजिए, कामकाज खूब बढ़ेगा। मकर राशि, आज का दिन यात्राओं में आपको काफी फायदा हो सकता है, कामकाज बढ़ सकता है, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन से रिलेटेड सभी काम आपके बन सकते हैं, उनके साथ मिल के काम बन सकते हैं, और आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको उत्साह उमंग खूब लगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके कई सारे काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि धन आए, पैसा आए, तबीयत भी ठीक रहे, तो आज तबीयत पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बोलने चालने की भाषा अच्छा रखें, तो आपको धन की मात्रा कुछ न कुछ मिल ही जाएगी। मीन राशि, बुद्धि थोड़ी सी घबराई हुई है, लेकिन आज आपके काम विवाहित जीवन के सपोर्ट से बनेंगे, आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें कुछ व्यवसाय शामिल हो, चतुराई आपकी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। मीन राशि में रेवती नक्षत्र बहुत लोगों को नहीं सुहाता है, लेकिन वृषभ राशि को ये सुहाएगा, और इनके बौद्धिक स्तर पर कई काम बनेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे,
बुद्धि चातुर्य से कैसे विवाद से मुक्ति मिलेगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए हम जानते हैं कि वो और कौन से शुक्र के उपाय होते हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। और वो सेकेंडरी उपाय है बड़ा कॉमन सा, पहनने वाले कपड़ों की इज्जत कीजिए। मतलब जो आपके कपड़े हैं ना पहनने वाले, उनको अच्छे से इस्त्री करके धो बना के संभाल के रखिए। गुचड़ पुचड़ मत कीजिए, पैरों के नीचे रौंद मत दीजिए, बुरी तरह ट्रीट मत कीजिए, नहीं तो आपके जीवन में शुक्र जनित समस्याएं उद्भवित हो सकती हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश्वर कृपा से किए देती हूँ। शशि जी दिल्ली से लिखते हैं कि मुझे अभी तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। नंबर दिया है इन्होंने 7। शशि जी क्यों ऐसे ही चलता रहेगा, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पुश करो, थोड़ा सा पीछे पड़ जाओ। जैसे ही शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर के बाद, आप पूरी कोशिश कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ साथ में आप शिव जी की आराधना करें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।